फास्ट न्यूडिचल में आप लोगों का स्वागत है। प्यार अंधा होता है, ये बात आपने सुना होगा, और प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। ये बात टीम इंडिया के इन धुंधरों पर लागू होती है जिन्होंने शादीशुदा महिलाओं से शादी की है। भारतीय टीम के एक खिलाड़ी पहले से विवाहित महिलाओं पर अपना दिल हार बैठे। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से उम्र में बड़ी और बच्चों की माँ होने के बावजूद भी शादी कर ली है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा और उसको भी क्लिक कर लें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। नंबर एक, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले टीम इंडिया के एक ज़बरदस्त स्पिनर थे। ये भी एक शादीशुदा महिला के प्यार में पड़ गए थे। इस महिला का नाम चेतना था और जो कुंबले की वाइफ हैं। इनको पहली शादी से एक लड़की भी थी। नंबर दो, वेकेंटेंस। वेकेंटेंस की पत्नी जयंती भी पहले से विवाहित थी और इनकी मुलाकात अनिल कुंबले ने करवाई थी। जयंती वेकेंटेंस से करीब 9 साल बड़ी हैं। अब दोनों के एक बेटा है। नंबर तीन, मुरली विजय। मुरली विजय की पत्नी भी पहले से शादीशुदा थी। मुरली की पत्नी निकिता की पहले शादी टीम इंडिया के ही क्रिकेटर दिनेश कार्तिक से हुई थी, लेकिन बाद में जब मुरली और निकिता के अफेयर का दिनेश कार्तिक को पता चला तो उन्होंने निकिता को तलाक दे दिया और मुरली ने निकिता से शादी कर ली। अब उनके तीन बच्चे हैं। नंबर चार, शिखर धवन। टीम इंडिया के गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन ने भी खुद से 10 साल बड़ी और दो लड़कियों की मां आयशा मुखर्जी से शादी की है। अब दोनों के एक लड़का है। दोस्तों, आपको इन चार में से कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।